अंतिम गेंद इस ओवर की और क्या ओवर गुजरा ये राशिद खान का, फिर से एज और विकेट, कम बैक हो गया यहाँ पे बारबोडस का इस मैच के अंदर। बहुत बढ़िया मेडन ओवर यहाँ पे राशिद खान की तरफ से और विकेट भी लिया। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज है सीपीएल 2020 का मैच नंबर 9 और ये होने वाला है त्रिबांकुर नाइट राइडर्स वर्सेस बारबोडस के बीच में। दोनों ही जबरदस्त टीम है दोस्तों और ये रहा प्लेइंग 11 दोनों ही टीम्स का आप लोगों के सामने। बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों और ये दोस्तों आज की कंडीशन से किस तरीके से पिच बिहेव करेगी और वेदर किस तरीके से रहेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट रोल आता है यहाँ पे टॉस का, तो देखते PKR वर्सेस बारबोडस में कौन जो यहाँ पे टॉस जीतता है। टेल्स कॉल किया यहाँ पे बारबोडस के कप्तान ने यहाँ पर, देखते सिक्का उछाला यहाँ पे PKR के जो है कप्तान पोलार्ड ने। ओके टॉस जीता है यहाँ पे बारबोडस, देखते यहाँ पर क्या ले गए यहाँ पर, मुझे लगता है बल्लेबाजी ले गए जी, बिल्कुल बल्लेबाजी लिया इन लोगों ने, यानी कि हमको करना पड़ेगा चेस यहाँ पर। ये आ चुके यहाँ पे PKR के प्लेइंग 11 दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त टीम दोस्तों T20 के। ब्रावो के हाथ में है गेंद, देखना दिलचस्प होगा यहाँ पे किस प्रकार से जो है यहाँ पर रिस्पॉन्ड करते हैं बल्लेबाज। बढ़िया एज, पहली गेंद पर एज लगा है, बहुत ही बढ़िया शुरुआत ब्रावो द्वारा। 40 फिर एक बार सामना करेगा यहाँ पे ब्रावो का इस ओवर के अंदर। बहुत ही बढ़िया गेंद, फ्लोर वन गेंद डाली थी और का टाइप और कमाल का वहां पे टाइमिंग देखा है 40 ने और दो रन तो ले चुके हैं। तीसरा रन बढ़िया फील्डिंग की वहां पर, लेकिन 3 रन तो ले गए, 1 रन बचाया अपनी टीम के लिए फील्डर ने। अच्छी शुरुआत हुई यहाँ पे बारबोडस की, बल्ले पर गेंद आ रही है एक्चुअली यहाँ पर एज लगा है। और क्या ये विकेट है जी, बिल्कुल विकेट मिला शुरुआती ओवर में ही यहाँ पर विकेट ले गया PKR, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। अंतिम गेंद इस ओवर की, लार्ज ओवर गुजरा यहाँ पर ब्रावो का, बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है फील्डर, दौड़ जरूर रहे लेकिन वन बाउंस चौका है या फिर 6 रन है देखना पड़ेगा, 6 रन है भाई ये तो। ओके तो 16 ओवर का जो यहाँ पे ऑटो प्ले हो चुका है बारबोडस का, बहुत ही खराब सिचुएशन फिलहाल, 93 रन लगा चुके हैं बोर्ड पे 6 विकेट के नुकसान पर और भाई बहुत ही प्रॉब्लम में दिख रही मेरे को यहाँ पे तो टीम। ब्रावो को 2 विकेट मिले हैं, 2 विकेट ले गए वहां पे अहमद और 1-1 विकेट लिया वहां पर सील्स ने, तो देखते दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखना दिलचस्प होगा भाई। फिलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा है कि PKR जो है इस इनिंग के अंदर और इस मैच के अंदर काफी आगे चल रही है फिलहाल, देखते यहाँ पर क्या बेहतर होता। अंतिम 4 ओवर में बढ़िया गेंद, 93 रन 7 विकेट गिर चुके यहाँ पे PKR के, बढ़िया गेंद एक बार अपील करूंगा यहाँ पर मैं, और विकेट मिला भाई, क्या गेंदबाजी हो रही है मेरे भाई, ये PKR इज ऑन फायर मेरे भाई लोग, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं, बैक टू बैक विकेट्स मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे रिव्यू है इनके पास, मैं मना किया रिव्यू के लिए। अंतिम गेंद इस ओवर की, बढ़िया शॉट सीधे बल्ले से खेला है फील्डर है वैसे वहां पर, गेंद 6 रनों के लिए जाएगी, बढ़िया शॉट। अंतिम 3 ओवर का खेला इस मुकाबले बाकी, देखते यहाँ पर क्या बेहतर होगा, बढ़िया शॉट बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग और चौका ले गए 4 रन, इसके साथ 100 रन पूरे यहाँ पे बारबोडस के, 105 रन 8 विकेट यहाँ पर टीम बारबोडस के पैरों पे। गेंद बढ़िया शॉट, 38 रन का फील्डर को बीट करना था और आराम से करके 4 रन ले गए। लास्ट बॉल इस ओवर की, बढ़िया ओवर गुजरा यहाँ पे बारबोडस के लिए, अच्छा शॉट बढ़िया टाइमिंग खूबसूरत वहां पर प्लेसमेंट भी दिखाया बल्लेबाज ने और एक और चौका इस ओवर का। सुनील नारायण आया गेंदबाजी लेकर, अब देखते हैं यहाँ पर किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। 2 ओवर बचे हैं भाई, बहुत ही खूबसूरत शॉट और 6 रन, बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, पहली गेंद पे छक्का जड़ दिया यहाँ पे नारायण को, फिर से बहुत ही आला टाइमिंग फील्डर है, बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुके फील्डर, शायद 6 रन होगा ये जी, बिल्कुल 6 रन, 2 गेंदों में 2 सिक्स लगा दिए यहाँ पे नारायण को, फिर से खूबसूरत टाइमिंग, क्या हो रहा है भाई यहाँ पे नारायण को बाउंड्रीज लग रही है डेथ ओवर में, कमबैक कर लिया यहाँ पे बारबोडस ने जिस प्रकार के पिछले 2 ओवर गुजरे हैं जी, बिल्कुल पिछले 2 ओवर ने जो यहाँ पे कमबैक करवा दिया बारबोडस को, बहुत ही खूबसूरत 4 रन। इस इनिंग से काफी अप्स एंड डाउन आए, पहले लगा जो है PKR आगे है, फिर लगा बारबोडस आगे, फिर से PKR ने कमबैक किया और फिर बारबोडस कमबैक करते हुए, बढ़िया मजा आ रहा है इस मुकाबले में और एक खूबसूरत चौका 4 रन। अंतिम 2 गेंदे इस इनिंग की, देखना दिलचस्प होगा क्या होता है यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया गेंद और बल्लेबाज समझ ही नहीं पाए क्या करना था इस गेंद पर। अंतिम गेंद इस ओवर की और इस इनिंग के, देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ इस इनिंग की समाप्ति होते हुए
तो ये लीजिए दोस्तों आप लोगों के सामने रहा बारबाडोस का स्कोर जो 142 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर अंतिम कुछ ओवर्स में, जिस प्रकार के जो बल्लेबाजी ने उसके चलते यहाँ तक स्कोर पहुंचा, वरना ऐसा लग नहीं रहा था कि यहाँ तक पहुंच जाता बारबाडोस। और गेंदबाजी बहुत ही बढ़िया की यहाँ पे टीकेआर के जो गेंदबाजों ने, लाजवाब गेंदबाजी थी। स्पेशली अहमद की बात की जाए 4 विकेट ले गए, वहाँ से जो है 5.25 का जो इकोनॉमी रेट, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की। तो मजा आएगा दोस्तों देखने में किस प्रकार से जो यहाँ पे टीकेआर जो रिस्पॉन्ड करता है इस टारगेट को। लो स्कोरिंग मैच है और जनरली लो स्कोरिंग मैचेस काफी थ्रिलिंग होते हैं, तो देखना होगा। यहाँ पर सिमंस आए यहाँ पे सामना करने, कोरी एंडरसन के हाथ में है पहला ओवर का गेंद, सिंगल लिया पहली गेंद पे सुनील नारायण, विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं जी। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टाइमिंग किया है, फील्डर दौड़ रहे हैं लेकिन गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए, बढ़िया शॉट। ओके तो यहाँ पे 10 ओवर का जो है हमने ऑटो प्ले किया, तो स्कोर जहां पहुंचा टीकेआर का 79 रन 2 विकेट के नुकसान पर। कोलिन मुंद्रो और डेन ब्रावो यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, दोनों जो सेट हो चुके हैं। यहाँ पे गेंदबाजी भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की अब तक की जो है थाम के रखा है यहाँ पे गेंदबाजों पर। अब देखते हैं अंतिम 9 ओवर में क्या बेहतर करेंगे यहाँ पे बारबाडोस और कैसे जो है टीकेआर इसको रिस्पॉन्ड करते हैं टोटल को। बढ़िया गेंद, शुरुआत अच्छी हुई इस ओवर की, 51 बॉल 63 रन की जरूरत यहाँ पर, बढ़िया शॉट, कमाल का टाइमिंग दिखाया वहां पर बल्लेबाज ने, लाजवाब फुटवर्क और 6 रन। अंतिम गेंद इस ओवर की, बढ़िया शॉट, फिर से लॉब किया, कैच की मांग, फील्डर मौजूद है वहां पर और ले लिया विकेट। विस्फोटक बल्लेबाजी करने की कोशिश कर रहे थे यहां पे बल्लेबाज और अपना विकेट गवाया। 48 गेंदे 56 रनों की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए, बढ़िया टाइमिंग वहां पर और डॉट बॉल होती हुई 47 गेंदे और अब 56 रन। फिर एक बार सामना करेंगे यहाँ पे पोलार्ड, देखते हैं यहाँ पर क्या बेहतर होता है। बढ़िया शॉट, फील्डर पहुंच रहे और क्या ये भी विकेट होगा जे, बिल्कुल विकेट, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की यहाँ पे राशिद खान ने और पोलार्ड को विकेट ले गए। कोशिश कर रहा हूँ इस दिशा में शॉट खेलने की, देखते हैं यहाँ पे कामयाब होता है क्या जे, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया टाइमिंग। बुलाट भी कुछ इस तरीके से शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे लेकिन अपना विकेट गवा दिया। चेंजेस किया यहाँ पे फील्डिंग में, स्वीप शॉट, कमाल का टाइमिंग और गेंद जा रही है 4 रनों के लिए, बहुत ही खूबसूरत चौका। देखते हैं यहाँ पे अंतिम गेंद अभी ओवर की, बढ़िया गेंद के साथ किया ओवर का समाप्ति यहाँ पर। राशिद खान कंटिन्यू करेगा यहाँ से, क्या ओवर डाला था पिछला ओवर, एक ओवर में जो है 3 रन देकर एक विकेट ले गए थे पिछले ओवर में, बहुत ही अच्छी गेंद। अंतिम गेंद इस ओवर की मात्र 2 रन दिए यहाँ पे राशिद खान ने इस ओवर में तक के, और क्या ओवर की समाप्ति की यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया। एश्ले नर्स को लगाया यहाँ पे गेंदबाजी में, जानते हैं यहाँ पे कप्तान के जो स्पिनर को अच्छी मदद मिल रही है इस पिच पे। सिंगल लिया है, दूसरे रन के लिए जाने की कोशिश कर सकते यहाँ पर जी, बिल्कुल दूसरे रन के लिए गया है और पहुंच गए, क्या गजब का ओवर गुजरा तक के गेंद के लिए। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग किया है और फुटवर्क भी बढ़िया था और गजब की फील्डिंग की वहां पर फील्डर ने, 3 रन तो जरूर ले जाएंगे हम लोग यहाँ पर। राशिद खान कंटिन्यू कर रहे हैं, इनसे बच के रहना है यहाँ पर टीम टीकेआर को जी, बिल्कुल देख रहे होंगे किस प्रकार से एजेस लग रहे हैं यहाँ पे राशिद खान की गेंदबाजी पर। 23 गेंदे 32 रन, फंसा रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज को राशिद खान, देखते हैं यहाँ पर क्या खेल पाएंगे। बढ़िया शॉट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, फील्डर को मौका नहीं मिला, 6 रन, बहुत ही बढ़िया। अंतिम गेंद इस ओवर की राशिद खान की, लाजवाब फिर एक बार गुजरा यहाँ पर, अच्छा शॉट, बहुत ही बढ़िया टाइमिंग, बाउंड्री मिली यहाँ पर बल्लेबाज को। जेसन होल्डर आए यहाँ पे गेंदबाजी के लिए, 18 गेंदे 22 रन की आवश्यकता है, बढ़िया शॉट, सिंगल की कोशिश, ये थोड़ा रिस्की हो सकता है यहाँ पर, पहुंच गए। और इसी के साथ डेरेन ब्रावो का जो है यहाँ पे अर्चतक पूरा हुआ, जबरदस्त बल्लेबाजी इस प्रकार की पिच पर। 17 गेंदे अब 21 रन की जरूरत यहाँ पे टीम टीकेआर को, बढ़िया लॉफ्टेड वन शॉट और फील्डर के पास मौका नहीं, गेंद जाएगी 6 रनों के लिए, बहुत ही खूबसूरत शॉट। 16 गेंदे 15 रन की जरूरत यहाँ पर, बहुत ही बढ़िया बाउंस। अंतिम गेंद इस ओवर की, अब देखते हैं यहाँ पे होल्डर क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। बढ़िया शॉट, खेलने की कोशिश, सिंगल लिया है और पहुंच गए। राशिद खान आया यहाँ पे गेंदबाजी करने, 12 गेंदों में 13 रनों की जरूरत, बड़ा शॉट खेलने की कोशिश और मिस किया यहाँ पे शॉट।
10 गेंदे 13 रन, दो लाजवाब गेंदबाजी की यहाँ पर राशिद खान ने। बढ़िया गेंद, फिर से डॉट बॉल, चार डॉट्स बॉल राशिद खान की तरफ से, कमबैक करवा दिया अपनी टीम को यहाँ पर। फिर एक डॉट बॉल, पांच गेंदे लगातार डॉट यहाँ पे राशिद खान से। अंतिम गेंद इस ओवर की और क्या ओवर गुजरा ये राशिद खान का, फिर से एज और विकेट, कमबैक हो गया यहाँ पे बारबाडोस का इस मैच के अंदर। बहुत बढ़िया मेडन ओवर यहाँ पे राशिद खान की तरफ से और विकेट भी लिया। अंतिम छह गेंदों का खेल बाकी, 13 रन की जरूरत। बैक उठते गेंद, शॉट खेला है, सिंगल की कोशिश और ले गए सिंगल। पांच गेंदे 12 रन, पांच गेंदे 12 रन, बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होता हुआ। लॉफ्टेड शॉट, फील्डर मौजूद है और क्या 6 रन है या 4 रन, देखना दिलचस्प होगा यहां पर। 6 रन बहुत ही बढ़िया, 4 गेंदे 6 रन की जरूरत यहां पर। अच्छा शॉट, बढ़िया खेलते हुए सिंगल लिया यहां पर। 3 गेंदे और अब 5 रन, 3 गेंदों में 5 रन की जरूरत, ब्रावो है यहां पर स्ट्राइक पे। देखते हैं यहां पर सामने खेलूंगा स्ट्रेट शॉट जी, बिल्कुल खेला है, टाइमिंग लाजवाब हुआ है और गेंद कहां जा रही है। 6 रन के लिए लीजिए, मैच की समाप्ति होती हुई यहां पे। बहुत ही बढ़िया क्या फाइटिंग जो यहां पर देखने को मिली दोनों टीम्स की तरफ से। टीकेआर इस मुकाबले को जीता जरूर है, लेकिन जान जैसे कहते ना हलक में जरूर आएगी यहां पे टीकेआर के। जिस प्रकार से राशिद खान का मेडन ओवर गया था विकेट के साथ में, वहां पर कमबैक कर लिया था बारबाडोस ने, बहुत ही गजब का मुकाबला हुआ यहां पे टीकेआर वर्सेस बारबाडोस के बीच में। तो ये रहा दोस्तों मैच का हाल जो है, बारबाडोस ने बनाए थे 142 रन 20 ओवर में और हम लोग भी जो है काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि पिच उस प्रकार की थी कि जो वहां पे बॉल का फिट टर्न हो रहा था स्पेशली स्पिनर के लिए और खेलना काफी मुश्किल हो रहा था। लेकिन एट दी एंड जो है टीकेआर इस मुकाबले को जीत गया, फवाद अहमद जो बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा पसंद लगा है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। चैनल को पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब मार के बेल आइकन को प्रेस कर देना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।